सरकार ने जब से अग्निपथ योजना की घोषणा की है तब से युवाओं के बीच आक्रोश फैला हुआ है और वे देश भर में इस योजना का विरोध कर रहे हैं। देश भर में हो रहे हिंसात्मक विरोध के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार के पास अग्निपथ योजना का आइडिया कहां से आया। तो आइए जानते हैं कि भारत के अलावा ऐसी योजना किन किन देशों में लागू है। दोस्तों आपको बता दें कि अग्निपथ से मिलती जुलती योजना इजराइल, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, सीरिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया तथा स्वीडन आदि देशों में लागू है। इजराइल में सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अनिवार्य है, जिसमें पुरुष 3 साल व महिलाएं 2 साल तक सेवाएं करती हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में पुरुषों को सेना में 21 महीने की सेवा देने का प्रावधान है। उत्तर कोरिया में सेना में पुरुषों को 11 साल और महिलाओं को 7 साल व इरिट्रिया में युवाओं को 18 महीने की सेवा देना अनिवार्य है, जबकि ब्राजील में 18 साल के युवाओं के लिए 10 से 12 महीने की सैन्य सेवा अनिवार्य है। लेकिन क्या इस तरह की सैन्य सेवा भारत में सफल हो पाएगी, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों आप अग्निपथ योजना के बारे में क्या सोचते हैं, क्या यह भारत में काम कर पाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।